अच्छा, ये पहाड़ी नींबू का जूस बनाने के लिए, जूस या फिर चूक, चूक 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 बनाने के लिए चूक बनाया जा रहा है यहाँ पे अर्जुन भाई द्वारा। अभी वो चीनी डाल रहे हैं छिले हुए और छोटे छोटे पीसों में काटे हुए नींबू पे। देखिए कैसे चीनी डाली जा रही है, हम आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहेंगे। ये चीनी डाली, इसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला और चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। और ये बढ़िया से चाट मसाला और इसको मिक्स किया जा रहा है। चाट मसाला, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और बगल में एक दही का वो भी रखा है, ये दही डाला गया। अब इसको मिक्स करेंगे, पूरे को बढ़िया से मिक्स कर लिया जाएगा। देखिए इसमें कितना सुंदर कलर आ रहा है। तो आज गर्मी के दिनों में जो है बेहतरीन एक पहाड़ी टेस्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे पहाड़ी नींबू का चूक कहते हैं। वास्तव में अगर आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और चटकारे लेते रहेंगे। देखिए बढ़िया से मिक्स किया जा रहा है ये चूक में, नींबू, चीनी, दही और तमाम सारी चीजों को मिक्स करके ये चूक तैयार किया जा रहा है। इसमें मसाले, चीनी और दही वगैरह सब मैरिनेट होगा और एक बहुत ही जबरदस्त पहाड़ी टेस्ट उभर के आएगा। चीनी और मिक्स करेंगे अर्जुन भाई इसमें? बिल्कुल। और वैसे भी ये कहाँ के लिए रखनी है, तो इसमें और चीनी मिक्स की जा रही है। और यहाँ पे मक्खियों का खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि मक्खी ना बैठे, मक्खियों को भगाया जा रहा है। गर्मी के दिन है तो थोड़ा मक्खियाँ उड़ती रहती हैं। देखिए कितना शानदार लग रहा है, और करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या गजब इसमें रस है नींबू का और क्या गजब ये टेस्ट है। अभी इसको टेस्ट करेंगे। दही जो बचा है उसका क्या करेंगे, उसको भी डाल देंगे? उसके बाद अच्छा मिक्स कर दिया। तो इसमें 200 ग्राम दही, करीबन 50-100 ग्राम चीनी और मसाले, चाट मसाले, मिर्च, हल्दी वगैरह मिक्स करके ये बनाया जा रहा है। देखिए कितना सुंदर टेस्ट है इसका। देखिए अगर इसका कलर देखें तो नज़दीक से देखिए इसका कलर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मन कर रहा है कि इसको तुरंत टूट पड़ा जाए इसमें। चलिए तो इसको अब थोड़ा टेस्ट करते हैं कि ये कैसा रहा। देखिए अर्जुन भाई इसको टेस्ट करेंगे। तो देखो अब अर्जुन भाई इसको टेस्ट करेंगे, जरा टेस्ट करके बताओ अर्जुन भाई कि ये क्या चल रहा है और कैसा है इसका टेस्ट। जरा इधर को भी तो देखो अपना, जबरदस्त टेस्ट है ना इसका, बहुत बढ़िया। अगर ये बना के खाया जाए तो 10 मिनट में तैयार हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन पहाड़ी जो बड़ा वाला नींबू होता है उसकी आवश्यकता होती है इसके लिए। चलिए आप बिना देर के मुँह के पानी को हम रोक नहीं पा रहे हैं और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। चलिए टेस्ट के लिए जिंदाबाद टेस्ट, गुड टेस्ट, गुड फूड। थैंक यू वेरी मच।